बिहार का ये शहर बना मक्खियों का प्रदेश। मच्छरदानी लगाकर लोग बनाते हैं खाना, मच्छरदानी में ही 24 घंटा रहने को मजबूर। मच्छरदानी से बाहर निकलते ही पूरे शरीर पर बैठ जाती है मक्खियां, जिससे गांव के कई लोगों को हो गई है खतरनाक बीमारियां। चाय के कप में 100 मक्खी, दूध के पतीले में 1000 मक्खी, मक्खी मक्खी हो गया मुजफ्फरपुर का मुसहरी। मक्खियों के आतंक से भागे ग्रामीण, गांव में बसे मजदूरों ने कहा अब वो दिन दूर नहीं जब छपरा गांव बन जाएगा सुनसान शमशान। दूध में मक्खी, चाय में मक्खी, मच्छरदानी से बाहर निकलो तो पूरे शरीर पर मक्खी, घर के अंदर मक्खी, घर के बाहर मक्खी, जहां जाओगे पीछे पीछे चली आएगी मक्खी। बिहार का जाना माना शहर मगर अब बन गया है मक्खियों का प्रदेश। जी हां, आमतौर पर आपने लोगों को मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाते देखा होगा, लेकिन बिहार का एक ऐसा शहर भी है जहां लोग मक्खियों से बचने के लिए 24 घंटे मच्छरदानी के अंदर रहने को मजबूर हैं। यहां कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गांव छोड़कर भाग गए हैं और घर में ताला जड़ दिया है। मक्खियों का आतंक कुछ इस कदर है कि यदि आप एक कप चाय लेंगे तो उसमें 100 मक्खी गिरी हुई मिल जाएगी। इतनी मक्खी है कि पूरे शरीर पर जगह जगह कई तरह की बीमारियां फैल चुकी है। इस गांव में शादी विवाह की बात तो छोड़िए, जो पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाते हैं वो भी मक्खियों की चपेट में आ जाते हैं और फिर उल्टे पांव भागना पड़ जाता है। मक्खियों का प्रदेश बन चुका है ये बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मुसहरी ब्लॉक का छपरा गाँव है, जहां आदमियों से लाखों गुना ज्यादा मक्खियों की संख्या है। अब इस गांव में इतनी बड़ी संख्या में मक्खियां क्यों हैं? यह हम आगे बता रहे हैं। पहले देखिए मक्खियों से परेशान बेचारे ग्रामीणों का हाल। गांव की एक ग्रामीण महिला बताती है कि वो जब आटा गूंथने बैठती है तो मच्छरदानी लगाकर उसे आटा गूंथना पड़ता है और फिर मच्छरदानी के अंदर ही वो दिन भर का खाना बनाती है, लेकिन ये खाना भी तब बेकार हो जाता है जब उसे कोई खाने बैठता है। दरअसल थाली में परोसे हुए खाने में 1000 से भी अधिक संख्या में मक्खियां जम जाती हैं और फिर वो खाने लायक नहीं रहता, जो खाता है उसे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वही दूसरी महिला बताती है कि उसकी मौसी कुछ दिन पहले ही घर आई थी, जब दूध का पतीला खोला तो उससे 1000 मक्खियां निकली। उसने किसी तरह चाय बनाकर मौसी को तो दे दी, लेकिन चाय के कप में भी 100 मक्खियां चली गई और फिर वो चाय फेंकते हुए वापस लौट गई। घर में आए मेहमान को कई दिनों तक भूखे वापस इस गांव से जाना पड़ रहा है। गांव में जो भी बच्चे हैं उनके शरीर पर इतने मक्खी बैठ चुके हैं कि जगह जगह घाव के निशान हो गए हैं। वृद्धों का हाल तो और भी बेहाल है। एक तो सर्दी का मौसम, जैसे ही वो धूप में बैठते हैं चारों ओर से मक्खियां घेर लेती हैं और फिर मक्खियों से लिपटे उस व्यक्ति को देख उनके अपने ही नहीं पहचान पाते हैं। गाँव में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके शरीर पर इन मक्खियों की वजह से घातक बीमारी हो चुकी है। वहीं गाँव की दूसरी महिला बताती है कि उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय मुखिया से की, मगर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें मक्खियों को भगाने के लिए लल्लन सिंह से जो बात करनी पड़ेगी, और वो जैसे ही इसकी शिकायत उनके पास रखते हैं मुखिया जी के मुंह में पैसा ठूंस दिया जाता है। अब आप कहेंगे ये लल्लन सिंह कौन है, तो बता दे ये लल्लन सिंह ही वो शख्स हैं जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के छपरा गांव का हाल बेहाल है। दरअसल लल्लन सिंह बड़ी संख्या में मुर्गियों का फार्म चलाते हैं, यहां वो मुर्गी और अंडे बेचने का काम करते हैं। गांव की महिलाएं बताती हैं कि इस मुर्गी फार्म में इतनी गंदगी फैली है कि मक्खियों ने अपना डेरा बसा लिया है। कुत्ते बिल्ली आदि जानवर इस मुर्गी फार्म से मुर्गियां पकड़ कर ले आते हैं और घर में घुस जाते हैं, जिस कारण और भी बड़ी संख्या में मक्खियां पनपती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने स्तर से साफ सफाई रख रहे हैं, मगर मक्खी इतनी ज्यादा संख्या में है कि इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा। अब जरूरत है स्थानीय प्रशासन को ललन सिंह के मुर्गी फार्म के खिलाफ कोई एक्शन लेने की। या तो इस मुर्गी फार्म को गांव से कहीं दूर बनवाया जाए या तो पूरी तरह बंद कर दिया जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये गांव एक सुनसान शमशान में तब्दील हो जाएगा।